सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है फ्लैटलाइनर्स, जिसमें कुछ मेडिकल स्टूडेंट ये जानने के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ जैसा कोई जगह एग्जिस्ट करता है या नहीं। जिनमें से कोर्टनी नाम की एक लड़की इस टॉपिक को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस होती है, क्योंकि कुछ सालों पहले उसके गलती की वजह से उसके छोटी बहन के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए वो अपने बहन को फिर से देखने की उम्मीद में आफ्टर लाइफ के इस आइडिया से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होती है। लेकिन वो चाह कर भी इस एक्सपेरिमेंट को अकेले नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मरना था, ताकि उस दौरान वो ब्रेन में होने वाले सभी हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। इसलिए वो अपने शिफ्ट के खत्म होने के बाद हॉस्पिटल के बंद पड़े MRI रूम में अपने दो दोस्तों को बुलाती है, ताकि वो दोनों उसके मरने के 60 सेकंड के बाद उसे फिर से जिंदा कर सके। पर जेमी और सोफी, जिनको कोर्टनी के प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसमें खतरा था बल्कि वो सभी इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं थे, खास करके जेमी जो मेडिकल के पढ़ाई में कम और मजाक मस्ती में ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन कोर्टनी उन दोनों को वहाँ से जाने का ऑप्शन ही नहीं देती और उसके प्रोसीजर को खुद ही शुरू कर देती है, यानी कि उन्हें आखिर में उस एक्सपेरिमेंट के लिए कोर्टनी को मारना पड़ता है। और सरप्राइजिंगली इसका रिजल्ट वही निकलता है जैसे कि कोर्टनी ने सोचा था, यानी कि उसे आफ्टर लाइफ का कुछ झलक दिखाई देता है। पर वह दूसरी तरफ 60 सेकंड होने के बाद जेमी और सोफिया कई कोशिशों के बावजूद भी कोर्टनी को फिर से जिंदा नहीं कर पाते। इसलिए सोफिया जल्दी से मदद के लिए अपने दोस्त रे को बुलाती है, जो आखिर में कोर्टनी को बचा तो लेता है। लेकिन उस दौरान रे को जल्दबाजी में देख मार्लो ने भी उनका सीक्रेट एक्सपेरिमेंट देख लिया था। लेकिन कोर्टनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन सबको वो सब बता सकती थी जो कि उसने आफ्टर लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। पर असल में उस दौरान उसके ब्रेन में क्या हुआ था वो सभी उसका रिकॉर्डिंग देखकर चौंक जाते हैं। पर इसमें जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चीज होता है वो होता है कोर्टनी का अबनॉर्मल एबिलिटी, यानी कि कोर्टनी को पास्ट के कई सारी चीजें याद आने लगे थे, यहाँ तक कि बचपन के भी, और इसी के वजह से वो उन सभी चीजों को याद कर पाती है जो कि उसने या तो एक बार पढ़ा था या फिर एक झलक देखा था, जो कि उसको बाकी सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच डीन के नजरों में सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बना देता है। जिसको देख कोर्टनी के दोस्त भी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उत्सुक होने लगते हैं, सिवाय रे के जो कि इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन इसी बीच कोर्टनी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो डर जाती है, क्योंकि वो अचानक से अपने मरी हुई बहन को देखने लगी थी, जो कि वैसे तो एक वहम होता है, पर फिलहाल कोर्टनी ये समझ नहीं पा रही थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी बहन आफ्टर लाइफ से उसका पीछा करते हुए आई है, जिसके बारे में ना तो बाकी को पता होता है और ना ही कोर्टनी उन्हें बताती है। इसलिए एक के बाद एक ना सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को सभी ट्राई करते हैं, बल्कि वो हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ अपने नियर डेथ एक्सपेरिमेंट के टाइम को बढ़ा देते हैं, यानी कि जहाँ कोर्टनी 60 सेकंड के लिए आफ्टर लाइफ में थी, वहीं बाकी सभी इससे कहीं ज्यादा टाइम आफ्टर लाइफ में बिताने लगते हैं, जिससे सभी को कोर्टनी के तरह ही एबिलिटी तो मिलता है, पर कुछ समय के बाद उनको भी भ्रम दिखना शुरू हो जाता है, जो कि दरअसल उनके लाइफ का वो पल था जब उनके वजह से या तो किसी का जिंदगी बर्बाद हुआ था या फिर कोई मारा गया था। इन शॉर्ट कोर्टनी को बार बार वो एक्सीडेंट दिखाई देता है जिसमें उसके वजह से उसकी बहन मरी थी, और जेमी को दिखाई देता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको उसने प्रेग्नेंट करके बेसहारा छोड़ दिया था, और मार्लो को दिखाई देता है वो पेशेंट जो उसके गलत दवाई देने की वजह से मरा था, और सोफिया को दिखाई देता है अपने क्लास की वो लड़की जो उससे भी स्मार्ट थी, जिसके लाइफ को उसने अपने जलन की वजह से बर्बाद कर दिया। हालांकि उन सभी को अपने गलतियों का एहसास था, पर फिर भी वो ये सब एक दूसरे से छुपा कर रखते हैं, और इसी चीज की वजह से ये सिचुएशन और भी बिगड़ जाता है, क्योंकि कोर्टनी को जितने भी भ्रम दिख रहे थे वो उसे अंदर से तोड़ने लगे थे, यानी कि उसे न सिर्फ अपनी बहन दिखाई दे रही थी बल्कि वो उसका आवाज भी सुनने लगी थी। इसलिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने का असली रीजन बताती है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट कोई साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए नहीं था बल्कि ये उसके बहन के लिए था। और तो उस वीडियो में कोर्टनी ये भी बताती है कि उसकी मरी हुई बहन उसे मारना चाहती है, जो कि भ्रम होने के बावजूद भी कोर्टनी इसे सच मानकर अपने घर के खिड़की से कूदकर जान दे देती है, ये सोचकर कि उसके बहन के भूत ने उसे धक्का दिया है। पर इन सभी बातों से अनजान उसके अगले दिन सभी कोर्टनी के मौत की खबर को सुनकर डेविस्टेट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके एक्सपेरिमेंट से जुड़े उन सबूतों को मिटाना होगा जिसके बारे में कोर्टनी ने नोट्स पर लिखा था, ताकि वो पुलिस के हाथों ना लगे। इसलिए वो कोर्टनी का अपार्टमेंट जाते हैं जहाँ उन्हें सब कुछ मिलता तो है, लेकिन सिवाय कोर्टनी के फोन के जो कि उसके बॉडी के साथ हॉस्पिटल के मॉर्ग में था। इसलिए मार्लो कोर्टनी के फोन के लिए मॉर्ग में जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती उसे फिर से भ्रम होने लगता है, जो कि दूसरी तरफ जेमी के साथ भी होता है, जहाँ वो बच्चे के रोने की आवाज और अपने एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर डर जाता है। पर आखिर ये सब उनके साथ क्यों हो रहा था, इसका जवाब उन्हें कोर्टनी के बनाए हुए वीडियो को देखकर मिल जाता है, यानी कि वो ये समझ गए थे कि कोर्टनी को भी उनके तरह ही भ्रम दिखाई दे रहा था, जिसका कारण था उनके गलतियों का गिल्ट, कोई भूत वगैरह नहीं, जिसकी वजह से वो अपने गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए अपने अपने गलतियों को सुधारने का फैसला करते हैं। लेकिन रेजू उनके बोलने पर भी इसका हिस्सा नहीं बना था, वो ये सब मानने से इनकार करता है। पर वहीं दूसरी तरफ जहाँ बाकी डरे हुए थे वो अपने गलती को सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले सोफिया आरियाना के पास जाती है,
यानी कि वो लड़की जिसका उसने लाइफ बर्बाद कर दिया था। इन शॉर्ट आर्याना भी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके स्मार्टनेस से जलते हुए सोफिया ने उसके कुछ प्राइवेट फोटोज को स्कूल में लीक कर दिया था। हालांकि इन सबके बावजूद भी आर्याना सोफिया को माफ कर देती है, पर वह दूसरी तरफ जेमी इतना लकी नहीं होता, क्योंकि वो जैसे अपने एक्स से मिलता है वो उसके पास एक छोटा लड़का खड़ा देखता है जो कि जेमी का ही बेटा था, जिसके बारे में ना तो जेमी को पता था और ना ही उसके एक्स ने प्रेग्नेंट होने के बाद उसे गिराया था। इसलिए अपने गलती को मानकर जेमी उन दोनों का ख्याल रखने की बात करता है, लेकिन उसकी एक्स उसका मदद लेने से मना कर देती है। और रही बात मार्लो की, तो वो चाहकर भी अपने गलती का पछतावा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने डीन को उस मरे हुए पेशेंट के बारे में बताकर वहाँ से रेस्टिकेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन इसी चीज के वजह से उसका भ्रम हकीकत बनने लगता है। इतना कि गाड़ी चलाते वक्त उसका मरा हुआ पेशेंट उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे आखिर में तंग आकर मार्लो फिर से आफ्टर लाइफ में जाती है उस पेशेंट से माफी मांगने के लिए। लेकिन अब जब मार्लो ये सब अकेले कर रही थी तो उसको फिर से जिंदा करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके वजह से मार्लो का तरकीब उस पर ही भारी पड़ जाता है। लेकिन एन मौके पर रे और सोफी आकर मार्लो को बचा लेते हैं, इसलिए आखिर में मार्लो डीन को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके गलती के वजह से एक पेशेंट मारा गया और उसको किस तरह से उसने छुपा कर रखा, जिसके वजह से मार्लो को प्रोबेशन के लिए होल्ड पर रखा जाता है। पर अब जब वो सभी अपने गेट से फ्री हो चुके थे तो वो आखिर में कोर्टनी को प्रॉपर तरीके से अलविदा बोलते हैं। वैसे तो जेमी को अभी तक माफी नहीं मिला था, लेकिन वो इसके बावजूद भी अपने एक्स का मदद करने का वादा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ। तो देखने वाले हैं।